भिवानी में किसानों के विरोध के चलते हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल को कॉलेज के पिछले गेट से होकर जाना पड़ा, जबकि किसान कॉलेज के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। किसान को चकमा देने में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल पुलिस के सहयोग से कॉलेज के पिछले रास्ते से निकले। इस बार जो है जो बारिश है बहुत देर तक हुई है, कल भी हमारे क्षेत्र में बहुत बारिश हुई, किसान की फसल का नुकसान हुआ, किसान जो है दुखी है, लेकिन सरकार ने स्वतः संज्ञान लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है कि स्पेशल गिरदावरी करें, किसान के नुकसान की भरपाई करें, जो बीमित किसान है उसको बीमा से राशि दिलवाएंगे, जो बीमित किसान नहीं है उसको सरकार के खजाने से पैसा दिलवाएंगे। हम जितनी भी किसान हैं ऐसी नीतियाँ ला सकते हैं हम ला रहे हैं, और किसान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर तरह की, चाहे उसको 85% सब्सिडी माइक्रो इरीगेशन के लिए देना हो, चाहे उसके लिए फसल के सबसे ज़्यादा फसलों के भाव देना हो, गन्ने का प्रदेश में सबसे ज़्यादा भाव देना हो, सबसे ज़्यादा फसलें खरीदने का मामला हो, हरियाणा की मंडियों की स्थापना की बात हो, सब प्रदेशों से हरियाणा नंबर वन है। इसका कोई, किसानों के बीच में ही रहता हूँ मैं, सारा दिन सुबह से शाम तक क्षेत्र में रहता हूँ, हर हफ्ते रहता हूँ, किसान मेरे साथ हैं। किसान के नाम पर राजनीति सेकने वाले लोग हैं कुछ, वो जो हमारे प्रदेश के नहीं दूसरे प्रदेश के जत्थेबंद या है उनके इशारे पे काम करते हैं, उनको ये शर्म आनी चाहिए कि एक महिला कॉलेज के सामने जहां बेटियां पढ़ती हों, कम से कम उस क्षेत्र के उसके गेट पर आने का उनको कोई अधिकार नहीं था। मैं हमेशा हल्के में जाता हूँ, हर रोज़ जाता हूँ, मेरे से अगर किसी को कष्ट है तो मेरे क्षेत्र में आए। विरोध का तरीका, अपनी विरोध लोकतंत्र में सबको अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर जहाँ सारे शहर की 3,000 बेटियाँ पढ़ती हो उसके गेट पर उनको जो पारितोषिक वितरण हो रहा हो, फंक्शन चल रहा है एनुअल, उन बेटियों को कॉलेज में आने से रोकने का उनको अधिकार। किसान और सर रोड चारों तरफ से ब्लॉक है, ये जो बेहद परेशान है, किसान और किसान सरकार की लड़ाई नहीं है, किसान सरकार से बिल्कुल नहीं लड़ रहा है, लेकिन कुर्सी की लड़ाई लड़ने वाली विपक्षी पार्टियों के मोहरे हैं, उनकी जरूर सरकार से लड़ाई है। किसान कहते हैं हमें तो जरूर, किसान नहीं कहते हैं, जो कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको मोदी का चेहरा पसंद नहीं, उनको भाजपा का चेहरा पसंद नहीं, उनको ये परेशानी है कि 10 महीने तक हो गए हैं और फिर भी हम बल प्रयोग नहीं कर रहे, जो ऐसा पिछली सरकारों में कभी नहीं हुआ, वो उपद्रवी लोग घुसा करके सरकार को बदनाम करके किसानों के नाम को खराब करके अपना हेतु साधना चाहते हैं, हम उनका हेतु नहीं साधना चाहोगे। हमने तो कृषि मंत्री का विरोध करने के लिए आए हैं और उनका भिवानी जिले के सभी किसान और मजदूर भाइयों ने उनका विरोध किया है, और हम तो मतलब ये कहते हैं वो बैकडोर से चले गए, आगे से आते उनको पता लगता, हमें भी पता लगता, और हम कभी भी मतलब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम आप इनको ये मौका नहीं देंगे भिवानी जिले में या दादरी जिले में कहीं फंक्शन करने का। और रास्ता तो कोई भी लेकर सका भाई, साहूकारी तो कौन लेकर दे, पूरी भिवानी में आंदोलन करांगा, नहीं उड़ता जब तक कानून रद्द नहीं होगा, किसी भी बीजेपी का नेता का प्रोग्राम नहीं उड़ता। देश दुनिया दी ताजा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज अजीत न्यूज ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।